बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। फ्रेंड्स एंड एवरीवन, जैसा कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है 13-40 प्लॉट हाउस यानी 1200 स्क्वायर फीट का। पीछे यहां पे देखेंगे आप 1200 स्क्वायर फीट का यहां पे हाउस रेजिडेंशियल बिल्डिंग का किस तरह से प्लानिंग दिया गया है और उसका वॉक थ्रू बताऊंगा डिटेल्स विद रूम के साथ, पूरी डिटेल्स डायमेंशन वगैरह, स्टेयरकेस कहाँ पे और यहाँ पे कंपाउंड किस तरह से दिया, पूरा डिटेल्स बताता हूँ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, न्यू वीडियोस मिलते हैं। चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है 30x40 का यहाँ पर रेजिडेंशियल हाउस बना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको 13-40 आउटर फेस बता रहा हूँ फर्स्ट, और यहाँ से स्टेयरकेस है, ये फेस पे स्टेयरकेस है और यहाँ पे 3 फीट की जगह दी गई है, वहाँ पे पैसेज बोल सकते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं, और स्टेयरकेस यहाँ से स्टार्ट होंगे। और एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप स्टेयरकेस देंगे कंपलसरी वहाँ पे दो कॉलम्स रहना चाहिए लैंडिंग के पास, तो बेटर रहेगा, स्टेयरकेस को सपोर्टिंग अच्छा रहेगा। लैंडिंग के पास हमेशा दो कॉलम रहना चाहिए सपोर्टिंग के लिए। तो चलेंगे स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से स्टेयरकेस की शुरुआत है, यहाँ से ये जो है 3 फीट का यहाँ पे पैसेज है और ये जो है स्टेयरकेस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से स्टेप्स स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे 3 फीट का गैप है, पार्किंग से 3 फीट का गैप, यहाँ से स्टेयरकेस स्टार्ट हो रहे हैं। उसी तरह से ये पार्किंग जो दिया गया है यहाँ पे, ऐसे में आपको मिलेगा यहाँ पे 20 फीट। बने रहिए इस वीडियो पे। पार्किंग यहाँ पे दिया गया है 15x15 का यहाँ पे पार्किंग है, ऐसे में 15 फीट है और ऐसे में 15 फीट है, 15x15 का ये पार्किंग है। और यहाँ पे बोरवेल दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे सेफ्टी टैंक दिया गया है यहाँ पे। स्टेयरकेस के नीचे सेफ्टी टैंक नहीं दिया गया है, हर प्लान में स्टेयरकेस के नीचे सेफ्टी टैंक दिया जाता है, बट यहाँ पे पार्किंग में सेफ्टी टैंक दिया गया है। बहुत बड़ा सेफ्टी टैंक है, ये है लगभग 10 फीट ऐसे में 4 फीट। ओके, यहाँ पे इनलेट और आउटलेट भी है वहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, फर्स्ट इंट्रेंस की तरफ चलते हैं। देखिए इंट्रेंस मैं बता रहा हूँ, देखिए अब अच्छे से, दो इंट्रेंस है यहाँ पे, दो डोर है यहाँ पे। तो ये वाले पोर्शन में चलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है हॉल है। ओके, ये वाला जो पोर्शन है हॉल है, इसका साइज़ बहुत ही बढ़िया है, 20x10 फीट का हॉल है। हॉल में से तीन इंट्रेंस है, देख लीजिए यहाँ पे। तो हम ये इंट्रेंस में जाते हैं, ये वाला रूम है 10x10 का, और इसको छज्जा भी प्रोवाइड किया गया है दो साइड से, ये फेस से। और इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे ये वाला भी रूम है। रूम में चलने के बाद आपको यहाँ पे विंडो मिल जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए आप, और ये फेस पे आपको अटैच बाथरूम मिल जाएगा, सात बाई चार का यहाँ पे बाथरूम मिल जाएगा। हॉल में से रूम्स है, दो रूम है। यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपको वो मिस्टेक ना हो प्लान में। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है रूम, बट यहाँ पे विंडो नहीं दिया गया। जब भी आप घर का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो देखना, हर रूम में एक विंडो रहना चाहिए फॉर वेंटिलेशन के लिए, जो भी स्मेल रहेगी वो भी चला जाएगी, और वेंटिलेशन मतलब सनलाइट की रोशनी पड़ना चाहिए। एज पर वास्तु के हिसाब से ये बोल सकते हैं, एज पर साइंस के हिसाब से ये बोल सकते हैं, हर रूम में चाहे किचन हो चाहे हॉल हो, हर रूम में क्या है, एक विंडो होना चाहिए। जैसे कि रूम में देखेंगे आप कितनी रोशनी है आपको दिख रही है सनलाइट की रोशनी, बट यू रूम में डार्कनेस है, यहाँ पे अंधेरा है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे रोशनी ज़्यादा है, यहाँ पे विंडो प्रोवाइड किया गया। तो इसी तरह से ये पोर्शन में देखते हैं, जैसा कि हॉल में मैंने आपको बताया था, ये वाला हॉल है यहाँ पे, ये वाला जो हॉल है, हॉल में दो एंट्रेंस है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए,
ये वाला एंट्रेंस हो गया, रूम है यहाँ पे, विंडो नहीं प्रोवाइड किया गया। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल्स पता चलेगा। और ये वाला मास्टर बेडरूम है, अटैच टॉयलेट है। और ये वाला जो है किचन रूम है, देखेंगे किचन रूम का साइज़ कितना दिया गया है। तो किचन रूम का साइज़ यहाँ पे देखेंगे कितना, यहाँ पे एक डोर दिया गया है, यहाँ पे डोर दिया गया बाहर जाने के लिए, एक विंडो दिया गया है और यहाँ पे एक विंडो दिया गया है। साइज़ जो है इसका यहाँ पे 10 फीट बाई 7 फीट, 10 फीट बाई 6 फीट, 10 फीट एंड 6 फीट। और लेंटर छज्जा भी प्रोवाइड किया गया एल टाइप में, यहाँ पे देख लीजिए यू टाइप में छज्जा प्रोवाइड किया गया है। ऐसे में भी छज्जा है, ऐसे में भी छज्जा है, ऐसे में भी छज्जा यहाँ पे है। तो किचन जो है बेहतरीन बनाया गया, बड़ा यहाँ पे किचन रूम बनाया गया है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पे जर्नल वॉशरूम नहीं दिया गया। जैसा कि ये एक रूम है, यहाँ पे आप देख लीजिए ये वाला जो रूम है, ये रूम में रूम है, अटैच टॉयलेट नहीं है। और ये रूम है, इसको अटैच टॉयलेट है। बट कोई गेस्ट आएंगे तो जर्नल भी रहना चाहिए ना, जर्नल यहाँ पे नहीं है। इतने जो जितना भी मैं आपको प्लान बताया हूँ, इतने प्लान में जनरल नहीं है। बट यहाँ पे स्टेयरकेस के नीचे जनरल बाथरूम ले सकते हैं, स्टेयरकेस के नीचे जनरल ले सकते हैं। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, स्टेयरकेस का छोड़ के भी जनरल बाथरूम रहना चाहिए, एक कॉमन रहना चाहिए प्लान में, एक बोले तो जनरल वॉशरूम रहना चाहिए, जनरल बाथरूम रहना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं हम, ये देखेंगे यहाँ पे, ये पोर्शन हमने नहीं देखे, ये एंट्रेंस की तरफ मैं आपको बताया हूँ, दो रूम हॉल किचन बताया हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो है सिट आउट है, ये पोर्शन, जैसा कि मैं आपको अच्छे से क्लियर बताता हूँ। एंट्रेंस मैंने ये कंप्लीट हो गया एंट्रेंस, अभी एंट्रेंस की तरफ बताता हूँ। ये वाला जो है सिट आउट है, ये वाला सिट आउट, ये 12 फीट बाई 9 फीट का सिट आउट है, 12 फीट बाई 9 फीट का सिट आउट है। और यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे रूम है, यहाँ पे ये रूम बोल सकते हैं, गेस्ट रूम बोल सकते हैं, ये वाला 9 फीट बाई 12 फीट का। और ये जो है सिट आउट है, ये वाला सिट आउट है, ये सिट आउट का इसका भी सेम डायमेंशन है, ये भी 12 फीट बाई 9 फीट का यहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, गेस्ट रूम मिल जाएगा आपको, ये वाला गेस्ट रूम मिल जाएगा यहाँ पे, ये वाला गेस्ट रूम मिल जाएगा, ये वाला गेस्ट रूम मिल जाएगा। और इसके बाजू वाला जो है वो सिट आउट मिल जाएगा, सिट आउट इसको कंसीडर कर सकते हैं आप। वहाँ से अगर आएंगे कोई बाहर से तो वो सिट आउट हो सकता है, अगर यहाँ से कोई आएंगे तो ये सिट आउट हो सकता है। तो इस तरह से दोनों भी सिट आउट बोल सकते हैं या फिर गेस्ट रूम बोल सकते हैं। तो पार्किंग बहुत बढ़िया दी गई है यहाँ पे, पार्किंग की बहुत सहूलत है। और यहाँ सेप्टिक टैंक जो दिया गया है यहाँ पे, बिल्कुल पार्किंग की जगह पे दिया गया है। अगर स्टेयरकेस के नीचे दिया गया तो ये जगह काम में आ सकती थी। ओके, इट्स नो प्रॉब्लम। तो आज की टॉपिक कैसी थी बताइए ज़रूर। और एक मैं इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ, हमेशा स्टेयरकेस के पास, लैंडिंग के पास मिनिमम 2 कॉलम्स रहना चाहिए, हमेशा 2 कॉलम रहना चाहिए वहाँ पे। ओके, तो और तो आज की वीडियो कैसी लगी बताइए ज़रूर। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। तो कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह न्यू वीडियो में बहुत मिलेंगे बहुत जल्द, एज सून एज पॉसिबल, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आपकी वीडियो इंशाल्लाह संडे को लाऊंगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर सेफ, बाय बाय।